पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोमवार को गंजगुरहट्टी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है और युवाओं को नौकरी के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की होने वाली महारैली पर बात करते हुए कहा कि इस रैली में हम बेरोजगार की आवाज को उठाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक फूल कुंवर, शकील सरन, नवनीत मिश्रा, श्याम सरन सहित कमेटी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैंडिडेट न उतारने का फैसला किया है तो हो सकता है हमारी पार्टी भी मतलब जो है 22 वर्षा में यानी उसी आधार पे उनकी दो चार सीटों पर जहां पर उनके प्रमुख प्रत्याशी लड़ रहे हों वहां पर प्रत्याशी न लड़ने का काम करें। लेकिन ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए, कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रही है और माननीय आजाद साहब ने 42 सीटों की बात कही है, मैं कह रहा हूँ कि 42 सीटों से 41 सीट नहीं होंगी, क्योंकि हम 2009 में जब बहुत खराब खस्ता हाल में थे तब हम 22 सीटें जीत के आए थे। माननीय आजाद साहब ने केवल 21 सीटें उसमें पेपर में कोट की हैं, हम 21 जीते थे और एक उपचुनाव में जीते थे, हम 22 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते बैठे थे। तो जब हमारी हालत बहुत ख़राब थी तब हम 22 सीटें जीत सकते हैं, आज की तारीख में हम 42 सीटें नहीं जीतेंगे। ये केवल जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है कि कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस का तो यहाँ मुरादाबाद में ही कुछ नहीं था, तो हमें 74,000 वोट आपने क्यों कैसे हम पार्टी ले गई? तब तो समाजवादी पार्टी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी मेयर का चुनाव लड़ी या नहीं लड़ी? तो जब मेयर का चुनाव में हम जो है उनसे दुगने वोट ले सकते हैं तो यहाँ पे नहीं ले सकते क्या?